नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। हमारे खास बुलेटिन पांच शहर पांच खबर में आज आपको मिलेंगे दिन भर की पांच बड़ी अपडेट। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगी दिन भर की बड़ी खबरों से जुड़ी हुई पांच तस्वीरें। पहली खबर होगी देश की राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी को लेकर लगे पोस्टर और उनको लेकर हुई पुलिस कार्रवाई के साथ साथ सियासी पारा हाई होने की। दूसरी खबर होगी मनीष सिसोदिया की ईडी की हिरासत के 5 अप्रैल तक बढ़ने की। तीसरी खबर होगी खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को लेकर आज के अपडेट्स की। चौथी खबर प्रयागराज के उमेश हत्याकांड के तमाम अपडेट की रहेगी। तो पांचवी खबर रहेगी झारखंड में रामनवमी के जुलूस को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के एक फैसले से प्रदेश में मचे सियासी भूचाल की। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। राजधानी में जगह जगह इस संबंध में पोस्टर लगाए गए हैं। सूचना मिलने पर हरकत में आई दिल्ली पुलिस ने करीब 2000 पोस्टर उतारे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कार्यालय से निकलकर डीडीयू मार्ग की ओर जा रहे एक वैन को कब्जे में लेते हुए पुलिस ने करीब 2000 से अधिक पोस्टर जब्त किए हैं। इसके साथ पुलिस ने अलग अलग 100 से अधिक FIR दर्ज करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक के मुताबिक मंगलवार को पुलिस ने IP स्टेट में एक वैन को जब्त किया है। इस वैन में इस तरीके के पोस्टर भरे हुए थे। पूछताछ में पता चला कि ये पोस्टर आम आदमी पार्टी कार्यालय से लाए गए हैं और इन्हें DDU रोड तक ले जाया जा रहा है। तो अब दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बता दें कि लगातार दिल्ली में एक के बाद एक BJP और आम आदमी पार्टी के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है। उसी संदर्भ में एक और ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर दिल्ली में जगह जगह लगाए गए हैं, जिसपे दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है इसके चलते। और आपको जानकारी दे रहे 100 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज की गई है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यालय से वैन निकल रही थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस वैन को जब्त कर लिया है। 2000 से ज्यादा पोस्टर उस वैन में मिले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, देखिए पोस्टर वॉर अब दिल्ली में नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है स्वीटी, पोस्टर वॉर शुरू हो गई है और सीधे सीधे PM मोदी को टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे पहली बात यह कि सवाल उठता है कि अगर आम आदमी पार्टी के पीछ का इस पूरे पोस्टर ऑपरेशन पर में हाथ है, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद, सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद पार्टी की साख पर जो बट्टा लगा है, क्या उससे अपने को उबारने के लिए आम आदमी पार्टी की टीम ये सब पोस्टर वार शुरू कर रही है। इसके साथ ही एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस वक्त पूरी चर्चाओं में है शराब नीति घोटाला मामला, इस वक्त पूरी चर्चाओं में है जासूसी मामला, इस वक्त ED की कार्रवाई जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो रही है उसको लेकर दिल्ली में चर्चाएं हैं, सत्येंद्र जैन को लेकर जिस तरह के वीडियो तिहाड़ जेल से निकलकर आए थे जिसमें वो VIP ट्रीटमेंट लेते हुए नज़र आ रहे थे, उससे जो इस तरह की जो चीज़ें सामने आई हैं उनसे जो आम आदमी पार्टी की एक छवि को जो बट्टा लगने का काम हुआ है, तो क्या सवाल उठता है कि क्या उसी छवि से को सुधारने के लिए PM मोदी को टारगेट करके BJP को निशाने पर लिया जा रहा है। हालांकि अभी दिल्ली पुलिस ने इस मामले में करीब 138 FIR दर्ज कर ली हैं, इसके अलावा 6 लोगों को हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और भी लोगों की तलाश पुलिस कर रही है जो इस पोस्टर वाले मामले में संदिग्ध लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वीटी ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली की सियासत में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है स्वीटी। जी बिल्कुल, दिल्ली की सियासत में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। लेकिन देखिए ये जानकारी भी निकल के सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय से ये वैन निकली थी जिसको पुलिस ने जब्त किया। इसके साथ हमने देखा किस तरीके से ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे उन्होंने तमाम चीजें कही कि क्या आखिर इस पोस्टर में गलत क्या है जो लिखा हुआ है। बिल्कुल स्वीटी, इसमें बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है। हालांकि कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर जब भाषण दे रहे थे तो उनका कहना था कि हम केंद्र सरकार से लाइन खींचकर नहीं चलना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली के विकास में, दिल्ली की जनता को राहत देने के, दिल्ली सरकार के प्रयासों में सहयोग करें, हम आपसी मतभेद नहीं रखना चाहते हैं। हालांकि सीएम केजरीवाल ने ये भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार को लकीर खींचनी है तो वो दिल्ली सरकार से ज़्यादा बड़ी विकास की लकीर दिल्ली में खींचे, जैसे मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार ने बनवाए हैं उनसे ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बनवाकर केंद्र सरकार दिल्ली की जनता को राहत दे सकती है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा, पोस्टर वॉर अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी पर सारे पोस्टर की जिम्मेदारी ऐसे है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहना है कि उनके कार्यालय से जो वैन निकली थी वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय से ही निकली थी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया को कम से कम 5 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। ईडी ने कड़ी सुरक्षा के बीच मनीष सिसोदिया को बुधवार को आबकारी नीति के निर्माण में कथित अनियमितताओं और संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिमांड खत्म होने के बाद राव रेवेन्यू कोर्ट में लाया गया, जिसमें कोर्ट ने उन्हें 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, एक के बाद एक बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को लगता जा रहा है। इसी संदर्भ में एक और बड़ी मुश्किल मनीष सिसोदिया के सामने आके खड़ी हो गई है। 5 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेजे गए मनीष सिसोदिया। जारी जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए एक और बड़ी मुसीबत मनीष सिसोदिया के सामने, 5 अप्रैल तक अपनी न्यायिक हिरासत बढ़ गई है उनकी। जी देखिए स्वीटी, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनकी मुश्किलें काफ़ी कम होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि पहले जो है ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन आज 5 दिन की जो रिमांड है वो ख़त्म हो गई थी। उससे पहले सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही थी, रिमांड मांगी थी सीबीआई ने, लेकिन सीबीआई की रिमांड ख़त्म होने के बाद उसके बाद उन्हें ईडी ने ही तलब कर लिया गया था। ईडी ने अपने उनके अंदर जेल के अंदर ही जाके उनसे पूछताछ करना शुरू कर दी गई थी, लेकिन ईडी ने 22 मार्च तक की जो बात मांगी थी कि 22 तारीख तक जो है मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जाएगी, लेकिन आज जिस तरीके से राव रेवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश कराया गया तो पेश कराने के बाद उनकी जो रिमांड है वो 5 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। जी जी और क्या कुछ जानकारी संदर्भ में निकल के सामने आ रही है मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से, क्या कुछ दलीलें रखी गई और वही ईडी के वकील की तरफ से क्या कुछ बोला गया? ये देखिए बिल्कुल, राव रेवेन्यू कोर्ट में विशेष ईडी जो सीबीआई के जज हैं एम के नागपाल सिसोदिया ने न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन उसके बाद 5 दिन की जो ईडी रिमांड थी वो खत्म हो रही थी। आज राव रेवेन्यू कोर्ट में जब उन्हें पेश कराया गया तो ये ईडी ने मनीष सिसोदिया को आगे की जो रिमांड नहीं मांगी थी तो उसको देखते हुए उन्हें जो है 5 अप्रैल तक के लिए जो है ये जेल में ही रहना होगा। लेकिन उसके बाद जो उनके वकील थे उन्होंने कहा कि इनको कुछ किताब जो बुक्स हैं उसे पढ़ने की जो बात यहाँ पर कर रहे थे मनीष सिसोदिया, क्योंकि रामायण किताब और भगवद गीता जो किताब है उन किताबों को मनीष सिसोदिया ने मांगा था कि मुझे कुछ किताबें जो हैं जेल के अंदर दी जाएँ, उनमें उन किताबों को मैं पढ़ सकूँ। जिस तरीके से जेल के अंदर लोग रह रहे हैं मनीष सिसोदिया, उसमें जो है भगवान में अपना ध्यान लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें पहले उन्होंने किताब मांगी थी, डायरी मांगी थी, एक पेन भी मांगा था, लेकिन उसके बाद आज फिर दोबारा मनीष सिसोदिया के वकील ने उनके जज के सामने यही बात रखी कि मनीष सिसोदिया को जो है कुछ किताबें की जो बुक्स हैं उसमें जो है बुक्स चाहिए मनीष सिसोदिया को, लेकिन कोर्ट ने उसकी भी इजाज़त दे दी है, कहा कि उनको जो बुक्स या किताब जो मांग रहे हैं उन किताबों को जो है मनीष सिसोदिया को प्रोवाइड कराया जाए। जिस तरीके से उन्होंने भगवद गीता की बात कही थी कि मेरे को गीता पढ़नी है जेल के अंदर बैठ के, मेरे को एक पेन और एक डायरी की भी मांग उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद दे दी गई थी, लेकिन आज फिर भी दोबारा उन्होंने यही कहा कि मुझे जो है जेल के अंदर कुछ किताबों की ज़रूरत है, मैं किताब जो पढ़ सकूँ, अपना ध्यान उसमें लगा सकूँ। जिस तरीके से 14 दिन की जो हिरासत मांगी गई हिरासत में मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा था, लेकिन उसके बाद आज फिर दोबारा से 5 अप्रैल कर दी गई, लेकिन पहले 3 अप्रैल इसमें करी थी, तो 3 अप्रैल के बाद अब 5 अप्रैल इसमें कर दी गई कि मनीष सिसोदिया को अभी तक जेल में ही रहना होगा। जी जी तो क्या अभी तक ईडी और सीबीआई की तरफ से पूरी पूछताछ की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई? क्योंकि देखिए मनीष सिसोदिया का कहना था कि सिर्फ ईडी और सीबीआई जो है दिन भर में आधे घंटे ही पूछताछ करती है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पहले मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश कराया गया था तो उसमें मनीष सिसोदिया ने यही आरोप लगाया था ईडी के ऊपर कि मुझसे आधे आधे घंटे ईडी पूछताछ करती है, 12 घंटे में से आधे घंटे ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, तो जो मेंटली डिस्टर्ब है मनीष सिसोदिया उससे कुछ ज़्यादा ही वो हो रहे हैं, क्योंकि आधे घंटे का मतलब तो आधे घंटे वो बातें उनसे करते, लेकिन 12 घंटे का इसमें समय रहता था कि 12 घंटे के बाद अंदर उनसे जो है आधे घंटे पूछा जाता था। उनके वकील ने खुद ये बात रखी थी जज कोर्ट के अंदर की उनसे मनीष सिसोदिया से आधे घंटे ही पूछा जाता है, वहीं सीबीआई पे भी उन्होंने यही आरोप लगाया था।
था कि सीबीआई भी जो है एक घंटे की पूछताछ कर रही है, 12 घंटे में से एक घंटे सीबीआई पूछताछ कर रही है, तो उसमें मैं मनीष सिसोदिया को काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद ईडी ने जब ये आरोप लगाया कि इसकी तरीके से जब मनीष सिसोदिया जेल के अंदर जो सहयोग नहीं कर रहे ईडी मामले में, कुछ चैट्स हैं जो कुछ डाटा है वो डिलीट उनके फ़ोन से हुआ था, उसकी रिकवरी करने के लिए ईडी जो पूरा सहयोग कर रही है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो रहे। सीबीआई ने भी यही आरोप लगाया था कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे। बिल्कुल, मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब 5 अप्रैल तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। भगौड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के तलाश जारी है। पंजाब पुलिस बुधवार को अमृतपाल के जल्लूपुर खेड़ा स्थित घर पहुंची। पुलिस ने विदेशी फंडिंग के मामले में अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से पूछताछ की। उधर सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल बॉर्डर के रास्ते विदेश भाग सकता है। ऐसे में बॉर्डर पर नेपाल और पाकिस्तान बॉर्डर पर एसएसबी और बीएसएफ को अलर्ट पर रखा गया है। राजस्थान से उत्तराखंड तक छापेमारी की जा रही है। अब तक अमृतपाल के 154 समर्थक और साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके चाचा समेत कुछ लोगों को असम के डिब्रूगढ़ की जेल में भी रखा गया है। आगे आगे अमृतपाल, पीछे पीछे पंजाब पुलिस, ये हालत बन चुकी है। तो अमृतपाल की गिरफ्तारी की कोशिश लगातार पंजाब पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ जो है वो खाली होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक अमृतपाल का कोई भी पता नहीं चल पाया है, जिसके चलते उसके घर गई थी, अमृतपाल के घर गई थी पंजाब पुलिस और उनकी बीवी से जानकारी ली, लेकिन वहां ये भी शक है कि विदेश जा सकता है अमृतपाल। ज्यादा जानकारी के साथ दिनकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनकर, देखिए, ये भी शक पंजाब पुलिस के द्वारा किया जा रहा है कि वो विदेश भाग सकता है। जी स्वीटी, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि पंजाब पुलिस अब तक अमृतपाल को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। पंजाब पुलिस को हाईकोर्ट से भी कल फटकार लगी थी, उसके बाद आज पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह की पत्नी से पूछताछ की। वहीं आज खबर सामने ये भी आ रही है कि जब वो अपनी मर्सिडीज गाड़ी के बाद ब्रेजा गाड़ी से अमृतपाल भागा, उसके बाद उसने एक प्लेटिना बाइक से भागा। जो बाइक आज जलंधर से 59 किलोमीटर यानी 59 किलोमीटर दूर बरामद की गई है। वहीं खबर सामने यह भी आई कि अमृतपाल एक द्वारे में जाके अपना कपड़ा चेंज किया और उसके बाद वहां से फिर फरार हो गया। आपको बता दें कि लगातार पुलिस उसका पीछा कर रही है, लेकिन पुलिस फिर भी नाकाम है। जब अजनाला घटना हुई, अजनाला थाने पे जब अमृतपाल के समर्थकों ने अटैक किया, उसी समय से लगातार पुलिस योजना बनाकर अमृतपाल के पीछे लग गई थी। हालांकि उसके बाद भी पुलिस के कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस 80,000 फोर्स पंजाब पुलिस के अभी तक एक्टिव हैं और अब तक उनको कामयाबी नहीं मिल पाई है, तो आखिर पुलिस कर क्या रही है, अब सवाल उठने लगे हैं। लेकिन इसमें तार बहुत सारे जुड़ रहे हैं। एक तरफ उसकी बीवी की भी खालिस्तानी होने की संपर्क सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसके आईएसआई से भी लिंक सामने आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अमृतपाल अगर बॉर्डर उस पार चला गया हो तो यह भारत के लिए खतरे की मुसीबत साबित हो सकती है। जी बिल्कुल, सवाल उठने तो लाजमी है पंजाब पुलिस का, क्योंकि इतने दिन होने के बाद भी पंजाब पुलिस के हाथ इस वक्त खाली है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनकर तमाम जानकारियों के लिए। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। 5 शहर 5 खबर में आगे बढ़ेंगे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही पुलिस अतीक अहमद गैंग की रीढ़ तोड़ने में लगी हुई है। इसी कड़ी में मंगलवार की शाम अतीक के टूट चुके दफ्तर में कार्रवाई की गई। पुलिस ने छापेमारी करते हुए यहां छिपे कुछ लोगों के साथ ही लाखों रुपए कैश और कुछ हथियार बरामद किए गए हैं। इसी में 4 लाख कीमत की एक ब्रांडेड पिस्टल भी मिली है। साथ ही बुधवार को अतीक के लापता नाबालिग बेटों के मामले में भी सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई हुई। वही मामले में कोर्ट ने 24 मार्च तक सुनवाई टाल दी है। अतीक एंड शूटर योगी का क्लियर अल्टीमेटम। शोएब रिजवी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, देखिए, लगातार अतीक के तमाम गुर्गों पे पुलिस की नजर जो है बनाई हुई है और एक के बाद एक बड़ा कदम पुलिस उठाती जा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, हालांकि पुलिस के ऊपर इस बात का दबाव है कि 27 दिन बीत जाने के बाद सीधे तौर पर जो सीसीटीवी विजुअल में जो शूटर्स दिखाई दे रहे हैं वो लगातार जो है पुलिस की पहुंच से दूर भाग चुके हैं। और ऐसे में हालात जिस तरह से हुए थे, लेकिन ये पुलिस के लिए राहत जरूर हुई कि कल 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें से 2 ऐसे शख्स हैं जो करीब 16 सालों से अतीक के लिए काम कर रहे थे, जिसमें से एक कैशियर है और बाकायदा एक के बारे में बताया जा रहा है कि वो ड्राइवर था, जिसकी निशानदेही पर अतीक का जो चकिया कार्यालय है, जो कभी अतीक का एक तरह से कहते हैं सेंटर पॉइंट हुआ करता था, जहां से अतीक
न सिर्फ अपने राजनीतिक रूप से वहां पे बैठकें लिया करते थे, तमाम तरह की गतिविधियां वहां से संचालित होती थी। उस कार्यालय से करीब 70 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुए। हालांकि इस कैश को गिनने के लिए बाकायदा मशीन मंगानी पड़ी और इतनी बड़ी मात्रा में जो कैश बरामद हुआ है, उसके अलावा 10 से ज्यादा वेपन्स मिले हैं, 100 से ज्यादा अलग अलग वेपन्स के कारतूस मिले हैं। ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से चीजों की तैयारियां की गई थी। हालांकि पुलिस बहुत कुछ ज्यादा इस बारे में शेयर नहीं कर रही है। उसने मीडिया के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सीधे तौर पर बताया कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में अभी जानकारी देने से कहीं ना कहीं उनकी जांच बाधित होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी सवाल ये उठ रहा है कि जो FIR में जिन लोगों के नाम है, चाहे वो साहिस्ता परवीन हो या और जो लोग हैं, जिसमें से 5 शूटर ऐसे जिन पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, आखिर पुलिस और STF वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, इसके जवाब देने थोड़े मुश्किल हो रहे हैं। इतना जरूर है कि इस पूरी घटना में 2 एनकाउंटर किए जा चुके हैं, 5 ऐसे मकान चिन्हित किए गए थे जो सीधे तौर पर या अलग अलग किसी के जरिए से अतीक से उनका कनेक्शन था, जिसको PDA ने बाकायदा जमींदोज किया है। कारण बताया गया कि वो नक्शा नहीं बनाया गया था। और आने वाले दिनों में 25 तारीख तक की अल्टीमेटम गुड्डू मुस्लिम, जो इसमें एक शूटर है, उसके घर पर एक नोटिस चस्पा कर दी है PDA ने। और ये उम्मीद की जा रही है कि 25 के बाद, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम भी फरार है, 5 लाख रुपए का इनाम है, उसके मकान पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। तो कह सकते हैं योगी सरकार ने जिस तरह से इस पूरे मामले को सदन के अंदर रखा था और मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर 27 दिनों बाद अभी तक सीधे तौर पर उन लोगों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई है। जी बिल्कुल, कई बड़े सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए शास्ता प्रवीण की, तो उस मामले में आज CGM कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, क्या अपडेट है सुनवाई को लेकर शोएब? बिल्कुल, देखिए शास्ता प्रवीण की अगर बात की जाए तो 25,000 रुपए का उन पर इनाम घोषित है। हालांकि उनकी इनाम राशि और उनके चित्र जो है वो स्केच है वो भी जारी होने की बात की जा रही है, क्योंकि उनकी राशि भी बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन शाइस्ता परवीन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बहुजन समाजवादी पार्टी में लगातार सक्रिय हो गई थी और वो मेयर पद के लिए चुनावी तैयारियां भी कर रही थी, ऐसे में अचानक जब ये घटना हुई तो उसके बाद से शाइस्ता परवीन भी फरार हैं। क्योंकि शाइस्ता परवीन का नाम FIR में दर्ज है, इससे पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस के हाथ शाइस्ता परवीन को लेकर के भी खाली है, शाइस्ता परवीन तक भी अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है और इसी वजह से 25,000 रुपए का उन पर इनाम भी घोषित किया गया है। आने वाले दिनों में इनाम की राशि भी बढ़ाने की बात चल रही है। बिल्कुल, लगातार कवायद तेज हो रही है प्रशासन की तरफ से और प्रयागराज पुलिस की तरफ से कि किस तरीके से शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद के तमाम गुर्गों को ढूंढ निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे झारखंड के। हजारीबाग प्रशासन ने रामनवमी के जुलूस में DJ बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसको लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। दरअसल BJP के कई विधायकों ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि हजारीबाग जिला प्रशासन ने DJ पर प्रतिबंध के संबंध में हजारों लोग को नोटिस जारी किया है। BJP ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। भाजपा ने विधानसभा में भी उग्र तरीके से इस मामले को उठाया है। वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति करने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। तो देखिए ये तस्वीर जो है झारखंड से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर DJ पे प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि रामनवमी के मौके पर जुलूस निकलता है और इस जुलूस के संदर्भ में जो है अब झारखंड में सियासत तेज हो गई है कि किस तरीके से DJ पर बैन लगा दिया गया है। तो वहीं इरफान का कहना है, कांग्रेस नेता का कहना है झारखंड में कि BJP जो है अब सांप्रदायिक दंगे करने की तैयारी करवा रही है। तो सरकार के फरमान पर सियासी घमासान मच गया है झारखंड में। रामनवमी के नाम पर DJ पर बैन हो गया है। जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है और DJ पर बैन लगाने की मांग जो है बैन लगाने के लिए सरकार ने कह दिया है। तो वहीं BJP लगातार आक्रामक हो रही है सरकार पर कि आखिर बैन क्यों। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि BJP सांप्रदायिक दंगे करवा रही है और इस जुलूस के जरिए जो है वो सांप्रदायिक दंगे होने की आशंका है। और देखिए लगातार इसी को लेकर सियासी पारा जो है झारखंड में हाई होते जा रहा है। ये तस्वीरें भी वहीं से आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से हेमंत सरकार पर लगातार
उंगली उठाई जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि आप हिंदू विरोधी हो गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ सदन से साझा कर रहे हैं, जहां पे बीजेपी विधायक ने वहां पे पहुंच के अपना कुर्ता फाड़ा और बोला कि आंखें डीजे पर बैन क्यों। तो डीजे को लेकर अब सियासी पारा जो है झारखंड में वो उड़ चुका है और भूचाल जो है, सियासी भूचाल जो है रामनवमी के मौके पर आ गया। और ये भूचाल जो है जुलूस में होने वाले डीजे पर बैन लगाने के लिए हुआ है। तो हजारीबाग के जारी किया ये बड़ा फरमान, जिसको जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सड़क से संसद तक सियासी भूचाल आ गया है, क्योंकि डीजे पर बैन के लिए सरकार ने घोषणा कर दी है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक हो रही है। राकेश हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, अगर आखिर पूरा मामला है क्या, क्यों डीजे पर बैन किया गया, क्या है पूरी जानकारी? तो देखिए, हजारीबाग में जो रामनवमी का पर्व होता है वो काफी भव्य रूप से होता है और उसके बाद से वहाँ पे माहौल भी हर साल लगभग तनावपूर्ण हो जाता रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से पहले ही एहतियात के तौर पे कई चीजों का जिक्र किया गया था और साथ ही ये भी कहा गया था कि जो डीजे होंगे, जो भारी साउंड वाले होते हैं, उसको कम से कम नहीं बजाया जाएगा। तो उस पर कहीं ना कहीं विरोध हुआ था। उसके बाद से धरना प्रदर्शन और अनशन तक का दौर चला और साथ ही साथ सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगहों पे विधायकों ने भी बीजेपी के सभी विरोध किया सरकार का, कि कहीं ना कहीं सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। फिलहाल धरना प्रदर्शन और आंदोलन का तो दौर खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन आज भी कहा जा सकता है कि कई चीजें सामने आई हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे राजनीति होने लगी है। तो अब जाकर हजारीबाग के माहौल को सबसे बेहतर करने की तैयारी है, साथ साथ रामनवमी के पर्व को करने की है, लेकिन सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह भी तकरार जारी है। जी बिल्कुल, सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है और इसी संग्राम की तस्वीरें हम आपके साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।